तो गाइस आप सभी छोटे यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। आप सभी लोगों के अब तगड़े तरीके से कैसे यहाँ पर व्यूज आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग अपडेट्स देख रहे हो, यहाँ पर यूट्यूब ने बताया है कि छोटे यूट्यूबर्स अगर इस चीज को अप्लाई कर लेंगे अपने चैनल पर तो उनका चैनल डेफिनेटली तरीके से ग्रो होने वाला है। अब आप में से जितने भी सारे क्रिएटर्स हो, अगर आप शॉर्ट वीडियोज बनाते हो तो आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप लॉन्ग वीडियोज बनाते हो तो आपके लिए खुशखबरी है, यानी कि इस अपडेट में जो भी आप लोगों को जानने को मिलेगा उससे आपका चैनल डेफिनेटली तरीके से ग्रो होने वाला है, आपका फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। बस आपको एक काम करना होगा, इस पूरे अपडेट को जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना होगा। एक काम करना है, बस वीडियो को पूरा देख लेना, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, अपने चैनल को ग्रो कर लोगे, क्योंकि YouTube जब जो भी अपडेट्स देता है उससे आपका चैनल गारंटीड ग्रो होता है। चलिए गाइस इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो काफी मजेदार है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए गाइस आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है टॉप 4 बातें जो इस हफ्ते जानने लायक है, यानी कि 4 बातें हैं लेकिन ये 4 बातें आपके चैनल की किस्मत बदल देंगी, ये मैं लिख के दे रहा हूं, आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा। अब जैसे गाइस मैं आगे चलता हूं, यहां पर लिखा हुआ है अब शॉर्ट वीडियो पोस्ट करें सिर्फ मेंबर्स के लिए। यहां पर गाइज आप सभी के लिए एक ऐसा अपडेट आने वाला है जिससे आप मेंबरशिप को अपना बढ़ा सकते हो, जिससे व्यूअरशिप को बढ़ा सकते हो। क्या एक्चुअल में अपडेट है वो बता रहा हूं। और एक और जो अपडेट है ना, अभी यहां पर 2-3 अपडेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जान के जाना, आपके लिए एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से सटीक बता देगा यूट्यूब के ऐसे वीडियोस को तुम अपलोड करो वायरल करवा लोगे, ठीक है। शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो सभी के लिए बात चल रही है। यूट्यूब का एक नया फीचर लाया है जिसमें शॉर्ट वीडियो का सिर्फ मेंबर के साथ वीडियो शेयर किया जा सकता है। ये फीचर शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के दौरान किसको देखें ऑप्शन में नजर आएगा। गाइज एक ऑप्शन आने वाला है सेट विजिबिलिटी का, यहां पर पब्लिक मेंबर्स ओनली का भी एक नया ऑप्शन यहां पर एड ऑन होने वाला है। अब इससे फायदा क्या होगा मेंबर्स ओनली के लिए, काफी सारे लोग ज्वाइन का ऑप्शन इनेबल करते हैं, उससे मेंबरशिप लोग भाग लेते हैं, ठीक है, उस चैनल की, उससे आप पैसे कमाते हैं, और वहां पर एक मेंबर्स ओनली वाला ऑप्शन भी आता है जहां पर आप उन्हीं के लिए वीडियोस को शेयर कर सकते हो मेंबर्स ओनली को सेलेक्ट करके, यही यहां पर बताया गया है। तो अब मेंबर्स के साथ शेयर किए गए बिहाइंड द सीन एक्स्ट्रा मी सीन और अपने मजेदार पल, फिर मेंबर्स के साथ प्यार बढ़ना तो तय है, यानी कि मेंबर्स ओनली काफी सारे लोग करते हैं, गेमर्स होते हैं वो ज्वाइन करवाते हैं अपना चैनल, तो यहां पर यह अपडेट की बात है, यह अपडेट आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखिए यहां पर गाइस है क्या है यूट्यूब एल्गोरिथम का पूरा गणित, अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, एल्गोरिथम का सटीक बता रहा हूं। हाल ही में हमने बात की YouTube के डिस्कवरी एंड ग्रोथ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ट्रॉड, इनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, उन्होंने वीडियो के पोस्टिंग टाइम, फ्लॉप वीडियो, वायरल वीडियो, नए क्रिएटर्स और मनचाहे वीडियो ना मिलने से जुड़ी कई गलत फहमियों को दूर किया है। अब देखो ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है ये YouTube के डिस्कवरी एंड ग्रोथ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, तो आप लोग समझ जाओगे इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है सटीक दी होगी। अब क्या इन्फॉर्मेशन दी है अभी देखो, जैसे ही मैं आगे जाता हूं यहां पर लिखा हुआ है इस हफ्ते की टॉप 3 बातें, टॉप 3 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मान लें कि आपका कोई शॉर्ट वीडियो नहीं चला, आप लोगों का शॉर्ट वीडियो नहीं चलता एक्चुअल में, करेक्ट बात है, तो शायद आपका मन करे कि उसे डिलीट करके दोबारा अपलोड कर दें। आप लोग ऐसा करते हो ना, आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं होती, आप लोग उसे दोबारा डिलीट करके अपलोड करते हो, यही करते हो ना। देखो YouTube ने यहां पर क्या जवाब दिया है, बस यही आपको ठहर कर सोचना है, क्योंकि हो सकता है YouTube उस वीडियो को स्पैम मान ले और आपका चैनल फ्लैग हो जाए। क्या बोला था मैंने आप लोगों से, अगर आप लोग वीडियोस को बार बार डिलीट करोगे, हमेशा बताया है ये रीजन मैंने अपनी वीडियोस में, अगर अपनी वीडियोस को बार बार डिलीट करके री अपलोड करोगे ना, तो ऐसे में हो सकता है वो वीडियो आपकी स्पैम में चली जाए और आपका चैनल फ्लैग हो जाए। फ्लैग हो गया एक बार चैनल, तो समझ रहे हो ना कितना नुकसान है आपको, एक बार वीडियो स्पैम में चली जाए यूट्यूब के एल्गोरिथम के, समझ रहे हो ना कितना नुकसान होगा। तो जो चीज मैं बताया करता हूं अपनी वीडियोस में सीरियसली लिया करो, ये बातें मैं बता चुका हूं। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो YouTube ने यहां पर क्या बताया है, हमारी माने तो उस वीडियो को दोबारा अपलोड करने के बजाय उसे थोड़ा बेहतर करके या नए अंदाज में दोबारा अपलोड करें, इससे आप भी खुश और आपके व्यूअर भी खुश। YouTube ने यहां पर यह बताने की कोशिश करी है कि अगर आपकी वीडियो बार बार डिलीट करके अपलोड की जा रही है तो ऐसे में आपकी वीडियो स्पैम में भी जा सकती है, हो सकता है स्पैम वीडियो हो इसी वजह से वो नहीं चल रही हो, और ऐसे में सॉल्यूशन क्या है कि उस स्पैम वीडियो को हटाओ, बार बार री अपलोड मत करो, अगर नहीं चल रही है वीडियो बार बार अपलोड कर रहे हो तब भी नहीं चल रही है तो उस वीडियो में कुछ ऐसा तड़का डाल दो जिससे व्यूअर्स का अट्रैक्ट हो जाए मन एकदम और उस वीडियो को क्लिक करके पूरा वॉच कर ले। यूट्यूब ने यही बताने की कोशिश करी है, बार बार डिलीट करके री अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपली नॉर्मल काम करना है, आपको कुछ नहीं उसमें थोड़े से इफेक्ट्स को एड ऑन करना है, इतना तो कर लोगे ना। चलिए और जवाब देता हूं आप लोगों का,
यहां पर लिखा हुआ है इस हफ्ते का एक सवाल है, अगर आपके ज्यादातर सब्सक्राइबर शॉर्ट्स से आते हैं तो क्या आपको लंबे वीडियो पोस्ट करते समय नोटिफिकेशन भेजने का ऑप्शन बंद कर देना चाहिए। यह मेजर सवाल होता है, मेन सवाल होता है लोगों का, इसका भी यूट्यूब ने यहां पर जवाब दिया है, तो यह भी जरा सुन के जाओ। यहां पर लिखा हुआ है वीडियो की परफॉर्मेंस पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने नोटिफिकेशन को नजरअंदाज कर दिया या सब्सक्रिप्शन फीड में वीडियो को स्किप कर दिया। अब देखो, आपको नोटिफिकेशन भेजने का ऑप्शन तभी बंद करना चाहिए जब पुराने अनलिस्टेड लाइव स्ट्रीम या पॉडकास्ट पब्लिक करने हो, ताकि सब्सक्रिप्शन फीड में उनके नोटिफिकेशन की भरमार ना हो जाए। काफी सारे लोग डर जाते हैं ना कि सब्सक्रिप्शन फीड में एकदम से मेरी इतनी वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा तो व्यूअरशिप मेरी वहां पर कट जाएगी, मेरी व्यूअर्स मेरी वीडियोस को नहीं देखेगी। काफी सारे लोग इस चीज को लेके डरे बैठे हैं, लेकिन ऐसा गाइज नहीं, आपको करना है, आपको किसी का भी नोटिफिकेशन बंद नहीं करना है। आप जो भी वीडियोस को रेगुलर अपलोड करते हो, और देखो मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर आपको अपनी वीडियोस को वायरल करना है तो सब्सक्रिप्शन फीड से जो व्यूज आते हैं ना वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। वो क्या होता है, जब भी आप वीडियोस को अपलोड करते हो उनके सामने जब सब्सक्रिप्शन फीड होती है ना, जहां पर आपको चैनल सब्सक्राइब दिखते हैं, आपने जितने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो जो फीड होती है, वो फीड में आपके व्यूज आना कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वहां व्यूज आ गए ना शुरुआत में, तो आपका सब्सक्रिप्शन फीड का व्यूअरशिप बढ़ेगा, वहां से आपका क्या है व्यूअरशिप बढ़ेगी, आपके ब्राउज फीचर सजेस्टेड वीडियो यूट्यूब सर्च में जाना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर यहां पर आपकी एक बार वीडियो जाना स्टार्ट हो गई तो आपके चल के किस्मत गारंटीड बदलेगी। अब मेन बात आती है सब्सक्रिप्शन फीड में वीडियो जाएगी कैसे, मेरे भाई लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वो जिस टाइम पर एक्टिव होंगे, अगर आप उस टाइम पे वीडियोस को अपलोड करोगे तो उनके सब्सक्रिप्शन फीड में जाएगी, ठीक है। नोटिफिकेशन से काफी सारे लोग आएंगे, बट सब्सक्रिप्शन फीड से व्यूज लाना ये मेन इंपॉर्टेंट है, वो आपके एक्चुअल में आ जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा। तो अभी मैं आप लोगों को और चीजें बता रहा हूं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपके व्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस, YouTube यहां पर आपको टाइम टू टाइम बताता रहता है कि इन अपडेट्स को इस तरीके से यूज करो, इन अपडेट्स को इन तरीके से यूज करो, आपका चैनल ग्रो होगा। बट एक्चुअल में आपका काफी सारे अपडेट्स के बाद चैनल ग्रो हो जाता है, लेकिन काफी सारे अपडेट्स के बाद आपका चैनल ग्रो नहीं होता ना, यही आपका सवाल है। मैं इसका एक्चुअल रीजन बताता हूं आपके साथ होता क्या है और आपका चैनल यहां पर ग्रो क्यों नहीं हो पाता। काफी सारे लोग गाइस कुछ गलतियां करते हैं, जो चीजें मैं एक्चुअल में आपको बताता हूं ना उन चीजों पर आप फोकस नहीं करते। मैं आपको ये वीडियो डिलीट वाला पहले ही बता चुका था, मैं आप लोगों से हजारों बार कहता हूं वीडियोस को बार बार डिलीट मारोगे फंसोगे, वीडियोस को बल्क में डिलीट मारोगे तो फंसोगे, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अगर किसी के कमेंट सेक्शन में दबा के स्पैम करोगे तो फंसोगे, यानी हर एंगल से आप फंसोगे, यूट्यूब की कोई भी गाइडलाइन को वायलेट करोगे तो फंसोगे बुरा। इसीलिए कहता हूं मेरी वीडियोस को रेगुलर देखा करो, जो चीजें बताता हूं डंके की चोट पर सटीक बताता हूं और आपका चैनल उससे डेफिनेटली ग्रो होगा। अब मेरी बताई हुई ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हो, चैनल ग्रो होगा, गारंटीड ग्रो होगा, बट वहीं पर आप कुछ गलतियां कर देते हो जिससे वो ट्रिक भी फेल हो जाती है, फिर वर्क नहीं करती, ये एक्चुअल रीजन है। गलतियां अगर करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, गलतियों को अगर सुधारोगे और उन पर काम करके मेरी ट्रिक्स को फॉलो करोगे, गारंटीड चैनल ग्रो होगा, समझे। तो इस तरीके से चैनल ग्रो करो, अच्छी तरीके से आपका चैनल ग्रो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बढ़िया तरीके से चैनल मोनिटाइज करवाओगे, ग्रो करवा लोगे। तो आई होप गाइस ये अपडेट्स आपको पसंद आए होंगे, अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आए, कैसे लगे, आपके पास आ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलता हूं ऐसे किसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।